कहीं प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबर में। दोस्तों, जैसा कि पता है SSC GD का एग्जाम आज है, तो सेंटर पर आ चुके हैं बहुत से कैंडिडेट, निकल में पूछ के आज का एग्जाम कैसा रहा। ठीक है भाई, एग्जाम हो गया, कैसा हुआ? एक नंबर का। इधर तो आओ, दो मिनट दोगे। एग्जाम कैसा हुआ? इधर पूछ लेते हैं कैसा रहा एग्जाम कैसा हुआ बता भैया। बहुत अच्छा पेपर हुआ, मैथ बिल्कुल लगवा रही, रीजनिंग भी सरल है, मैथ भी सरल है, हिंदी मैथ रीजनिंग आप तो एवरेज बच्चा होगा वो कम से कम 60 में मान लो 58-55 तो 101% करेगा। और GS में हर लड़का 10 से 11 क्वेश्चन आराम से। करंट के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, करंट के क्वेश्चन थे लेकिन करंट ये इतनी टफ थी, करंट मतलब GS का वो ओवरऑल GS टफ थी, GS टफ थी, बाकी मैथ रीजनिंग हिंदी आसान है। वैसे कुछ चैप्टर बता सकते हो मैथ के, किस किस टॉपिक से? लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कुछ कैलकुलेशन लेंथी टाइप क्या? बिल्कुल बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, एक नहीं मतलब आप 20 क्वेश्चन मैथ में अगर अच्छा एवरेज लड़का है तो 15 से 20 मिनट में ज्यादा नहीं लेगा, 40 से 45। बाकी हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी भी अपनी इजी ही है, इजी है। वैसे कुछ याद हो किससे, समाज पूछा जा रहा कैसे? समाज नहीं, एक तस्सम आया था, पर्यायवाची दो आए थे, दो विलोम से पूछे गए थे, तस्सम भी आया, 5 क्वेश्चन वो पैराग्राफ से। बाकी ओवरऑल मिलाया जाए सबसे कठिन टॉपिक आपको कौन सा लगा? ओवरऑल से करंट सबसे टफ आई, करंट लगभग जो आई है, जो एवरेज करंट होती वो करंट से अलग। मतलब कब की पूछी, पुरानी पूछ दी कि अभी लेटेस्ट? 2023-24। कोई क्वेश्चन याद हो तो कुछ बताइए, जैसे बिरजू महाराज किससे संबंधित है? जो रंगा स्वामी है उस ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? अच्छा। ये तो और एक सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके हटाने की प्रक्रिया है कि वो लचीली है, कठिन है, इसमें संविधान में इसका वर्णन नहीं है, एक ये क्वेश्चन था उसमें। तो वो मतलब ये मान लो सबसे ज्यादा अगर पेपर आसान करने का तरीका है तो आप मैथ रीजनिंग, क्योंकि अधिकतर लड़कों मैथ और मैथ स्कोरिंग आप कर सकते हो, मैथ रीजनिंग को पकड़ के जाइए, आप एक भी सिंगल क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग में फंस नहीं सकते आप कहीं भी, अगर एवरेज लड़के ने थोड़ी भी पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की यानी निकल जाएगा मैथ में, कहीं भी आप कैलकुलेटर है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको। और कोई भाई कैसा गया? अभी तो मैं जाऊंगा अंदर, सेकंड शिफ्ट है क्या? नहीं मैं तो चौथा। और किसका हो गया एग्जाम, किसी का हो गया? चलो और भी पूछ लेते हैं और कैंडिडेट से कैसा एग्जाम रहा आज का, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया? यस, कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन याद है? नहीं याद नहीं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल पेपर था, सिंपल पेपर था। गॉड मॉस में कह रहा कुछ क्वेश्चन आए मैथ के, गॉड मॉस से आए थे, काफी क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के भी आए थे। कोई क्वेश्चन याद है उसका, जीके के, जीएस का आपको याद हो कोई? जीके का कुछ जानना हार्ड ही नहीं था। करंट कैसी आई? करंट सही था, बढ़िया था। कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा माइंड में? हाँ काफी क्वेश्चन है ऐसे जो याद है। अच्छा, जो टॉपिक का जो क्वेश्चन आ रहा है वो सीरियल वाइज आ रहे हैं कि सब मिक्स आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन जैसे इंग्लिश के, हिंदी के आने, मैथ के आने, तो कैसा आ रहा है? सब सीरियल वाइज था, 20 पहले रीजनिंग के, फिर 20 हिंदी के, फिर GS GK के, फिर 20 मैथ के। चलो ठीक, बाकी और लोगों से पूछ लेते हैं भाई, आप सेकंड शिफ्ट के लिए बने रहिएगा। कह रहे अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, देखिए अभी जो भी क्वेश्चन आए हुए मैथ और रीजनिंग अगर आपने कायदे से पढ़ी है, ठीक है, तो उसको जो ज्यादा कैलकुलेटिव टाइप की नहीं आ रही, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपका एग्जाम जो है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग बताया जा रहा है। बाकी और भी कोई अगर आपको टॉपिक मिलने वाला है तो आपको जरूर बताएंगे। सेकंड शिफ्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे के शिफ्ट के सारे रिव्यू आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।